नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं स्टॉर्म इन अ कप, अंग्रेजी का मुहावरा है, यानी चाय की प्याली में तूफान। और ये भी कहते हैं कि किसी भी बहस की उम्र उतनी ही होती है जितनी एक चाय की प्याली को खत्म होने में लगभग वक्त लगता है। 2014 में इसी चाय वाले तूफान ने कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ भुगतने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन क्या पार्टी सीखी नहीं और एक बार फिर से वही चाय वाले पर बहस आकर टिक गई है। इसे प्रधानमंत्री के अपमान के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने बार वाली टिप्पणी के साथ ही मुकाबला बराबरी का कर दिया। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा दें। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभिवेम याग्निक, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ इनका स्वागत। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट अहमदाबाद से इसी मुद्दे पर। राज तिलक में आज पुराने अहमदाबाद में आपका स्वागत है। आज बात होगी पुराने अहमदाबाद में चाय वाला बनाम बार वाला की इस पूरी जंग में, क्योंकि देश की सियासत अक्सर चलाई जाती है और बुनी जाती है इन मुहावरों के इर्द गिर्द। लेकिन क्या सोचते हैं वो लोग जो चाय पीने लकी टी स्टॉल पर पहुंचते हैं? बोलना सही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री है तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें उनके। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आप ऐसा बोल के हमारे भारत का नाम खराब कर रहे हो। गलत है, चाय वाला नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने ही कही है कि मैं चाय वाला था, और उनको इस बात पे गर्व भी है। आज के चाय की भाप से हाथ न जल जाए, इसीलिए वो दोनों ट्वीट तो डिलीट हो गए। एक वो जो बीजेपी की तरफ से था, एक जो युवा कांग्रेस की तरफ से था, क्योंकि सबको पता है कि चाय पर चर्चा में कहीं चाय से ही हाथ न जल जाए। दूसरा मुद्दा वो है कि हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस पार्टी से खुलकर हाथ मिला लिया है। हमें उन लोगों को हराना है जिनको अहंकार है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण देने की बात कही है वो अच्छी बात है, हमें आनंद मिला है। अब जो भी करना है हम सब साथ मिलकर करेंगे। इस पर आपको क्या लगता है, अच्छा किया गलत? तो पहले मालूम था कि 2-2.5 साल पहले भी वही करने वाला था। हार्दिक पटेल का भी जो अच्छा ही होगा, उन्होंने अच्छा ही किया है तो अच्छा ही होगा। अगर कांग्रेस ने हाथ मिलाया तो एक यूनिटी बनेगी और एक सोच अच्छी लोगों की बनेगी। उनको खुद के बल पे लड़ना चाहिए, ये गलत बात है कि वो किसी के साथ से हाथ मिलाइए नहीं, खुद के बल पे लड़े लाइक मोदी जी जो लड़ रहे। पॉलिटिक्स में होता ही ऐसे कि कोई कहीं से पलट जाता है, तो ये बस दिस इज जस्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आना चाहता है वो, मतलब पता नहीं कि वो अपोजिशन का ऐसा स्टंट है कि उसका खुद का स्टंट है। संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे, आपने प्रधानमंत्री के चाय वाले बयान पर तो अपमान का खूब बात की और कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, और बार वाला कहकर अपमान नहीं कर रहे थे, परेश रावल क्या कर रहे थे, मुकाबला बराबरी का कर रहे थे? देखिए, पहले तो गुजरात को नमस्कार, और मेरी बहन खड़ी है बगल में, अम्मी बहन, चाय बेचवा थी हूं, नानो नहीं थाई जाओ। चाय बेचने से मैं छोटा नहीं हो जाता, चाय बेचने से गुजरात आगे बढ़ता है। गुजरात के गरीब, गुजरात की जो मेहनत कश जनता है, और सबसे बड़ी बात, आज गुजरात का जो प्राइड है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गुजरात का गौरव, वो एक गरीब परिवार से आके हिंदुस्तान के उस मुकाम तक पहुंचा जहां आज तक केवल गांधी परिवार को लगता था एक ही परिवार को पहुंचना चाहिए। तो क्या ये गुजरात का गौरव नहीं है? आपने केवल मोदी जी को गाली नहीं दिया, आपने गाली गरीब को दी है, आपने गाली दी है उन मेहनतकश गुजरातियों को, जिन लोगों ने अपने दम के आधार पर, और बहन आप तो खुद गुजराती हैं, मैं आपके लिए बोलता हूं, आप जहां तक पहुंची आप मेहनत से पहुंची हैं। यहां जितने बंदे बैठे हैं गुजरात के, ये सब अपने मेहनत पर पहुंचे हैं, आप इनके मेहनत को गाली क्यों देते हैं, मेरा ये सवाल है। क्यों मेहनत को गाली देते हैं? मणिशंकर अय्यर ने 2014 में किया था, नतीजा आपने देख लिया, फिर भी बाज नहीं आ रही पार्टी। पहली बात तो ये चाय वाले की बात जो है उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं, बहुत सराहनीय बात है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए उस पर जो भी अगर टिप्पणी होती है, तो आई थिंक अभी बहुत समय हो गया है। ठीक है, आई थिंक वी हैव अ डिबेट, पूरी कर ले फिर आप लोग नारे लगाइए। और बल्कि नारे मत लगाइए शो में, ये ठीक नहीं है। तो हम इस पे आगे बढ़े, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वो इस टपके से आए हैं, वो टपके को जानते हैं,
तो वो तबका गुजरात में क्या कर रहा है, वो क्यों पिछड़ा ही पिछड़ा रह गया है, तो उस मुद्दे पे हम जरा बात करें। जरा बात कीजिए। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये ट्वीट कोई एक्सीडेंट नहीं, और ये सिर्फ ट्वीट नहीं है अंजना जी, ये मानसिकता है। और इसलिए इस पर जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि ये जो मैं डायनास्ट हूँ, क्या कहा राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके, यस आई एम डायनास्ट, मैं वंशवादी हूँ और इंडिया ऐसे ही चलता है। अंजना जी, इंडिया ऐसे नहीं चलता है। इंडिया में केवल ये सल्तनत नहीं है कि कुछ सुल्तानों के हाथ में भारतवर्ष की सत्ता रहे। इंडिया इज अ मैन ऑफ पुअर। इंडिया जो है, भारतवर्ष जो है, वो गरीबों की धरती है और गरीब अपने मेहनत के कारण से आगे बढ़ सकता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अमी बेन से। अमी जी, ये एक्सीडेंट नहीं है इसलिए क्योंकि सोनिया जी ने इसी नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की भूमि में आकर कहा था, मौत के सौदागर हो, तुम जीत नहीं सकते हो, जीत हुई। और यही मोदी जी के लिए मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस कि नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। ये क्या है? ये चाय वाला है आके कांग्रेस के दफ्तर के बाहर चाय बेचे। अरे ये मोदी जी का अपमान है या हिंदुस्तान का अपमान है, मैं गुजरात से पूछता हूं। अभी बहन जी, एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे मार देना। कांग्रेस पार्टी वही करती है। आपको पता है मौत का सौदागर से लेकर मणिशंकर अय्यर का बयान कितना भारी पड़ा, कितनी बार पूछोगे आप? मुझे जवाब देना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि जवाब तो आप, ये दोनों बातें, कुल्हाड़ी पे पैर, पैर पे कुल्हाड़ी, लेट अस कम टू द पॉइंट। दोनों बयान जो बताए उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सही बात? तो आप है ना सत्ता में। आपने क्या कहा था कि हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे? कितने को दिया? 10 लाख को भी नहीं दिया आपने। आपने बोला था कि हम देश को कहां सुवर्ण काल में ले जाएंगे, क्या किया आपने? घर में से भी पैसा निकाल लिया डीमोनेटाइजेशन करके। आपके यशवंत सिन्हा जी ने क्या कहा कि डीमोनेटाइजेशन वॉज अ डिजास्टर। आपके मंत्री रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, अरुण शौरी जी जो आपके मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो डीमोनेटाइजेशन किया 8 नवंबर को 8 बजे, तो क्या है, सबसे बड़ा स्कैम है आजाद भारत का। तो आप सत्ता में है, आप ये बयानबाजी पे मत जाइए। इसके बाद आपको सत्ता मिली है, तो आपने सत्ता आने के बाद जो 15 लाख का वायदा दिया था हर गरीब के अकाउंट में जाएगा, उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब हमें मिल गया कि हम सत्ता में नहीं है। हाँ। तो मैं उसको पूछने से कोई फायदा नहीं है। लोगों के सवाल में लेना चाहता हूं। 10 सेकंड सिर्फ। नहीं नहीं, मैं पूछूंगी सर सवाल। एक सेकंड। आपको धन्यवाद करता है, आपको सूट करता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की धन्यवाद नहीं करता। मगर अमी बहन जी ने एक बात मान लिया, कि पहले 2 बार इस प्रकार के बात रखी गई थी, दोनों बार सरकार जो उनकी सरकार थी वो बाहर हो गई। मतलब आज राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की मान रही है कि गुजरात के चुनाव से पहले ये ट्वीट आया, मोदी जी को इस प्रकार गाली दी गई, मतलब हम चुनाव हार गए, इसका अर्थ तो यही निकलता है। और देखिए मैं आपको एक फिर भाग रहे हैं आप असल मुद्दों से। कौन सा असल मुद्दा? वो कह रही है नौकरी पे जवाब दीजिए, वो कह रही है नोटबंदी पे जवाब दीजिए, वो कह रही है जीएसटी पर मैं हूं। आज का आज उस मुद्दे पर मैं तो अमी बहन जी को क्यों, मैं तो राहुल गांधी को, मैं गुजरात की भूमि से राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं। आप इतनी बार गुजरात आए, अमित भाई शाह ने आपको डेवलपमेंट को लेकर 5 सवाल पूछे थे, आज तक उसका जवाब नहीं है। यहां से वहां से नेगेटिव बातें करते हो, आज राहुल गांधी जी यहां आके खड़े हो, जवाब मैं दूंगा उनको डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अरे आप चाय बेचने की बात करते हो, मैं गुजराती में 2 शब्द बोलूंगा, यहां गुजराती के मेरे बंधु बैठे हैं। चाय बेची छे देश नथी बेचो, तमे लोगे तो देश बेची ना क्यों, हमने तो देश नहीं बेचा, चाय बेचा है। आप लोगों ने तो देश बेचा था, आप बताइए देश बेचा था कि नहीं? और जिन लोगों ने देश बेचा वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अब लोगों के सवाल लेते हैं। इस हिस्से से कौन सवाल पूछना चाहता है? संबित जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप 22 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, फिर भी आज रोड पे युवा, हर जाति का युवा आज रोड पे है, इसका क्या कारण है सर? मैं जवाब देता हूं। देखिए पहली बात तो है, युवा युवा होता है, आपको प्रश्न पूछने का बिल्कुल अधिकार है, मैं आपका सम्मान करता हूं, नमस्कार भी करता हूं। युवा युवा होता है,
जाति का युवा नहीं होता है कि फलाना जाति का। प्लीज मैं हाथ जोड़ के गुजरात के भाइयों से निवेदन करूंगा, आज आप नहीं समझ सकते हैं, मैं बाहर से, मैं उड़ीसा का हूं, मैं बाहर से आया हूं, मैं जानता हूं आज गुजरात का गौरव पूरे विश्व में कितना है, क्योंकि गुजरात का शेर नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। तो अमरीका भी हिंदुस्तान को पूछ रहा है, और हिंदुस्तान के कोने कोने में केवल नरेंद्र भाई का नहीं, गुजरात का डंका बज रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला कह के गाली देना, मुझे लगता है यह मोदी जी का नहीं प्रत्येक गुजराती का अपमान है। अमी भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। नहीं ठीक है, एक बार फिर से आपने वही प्रधानमंत्री और उनके अपमान, आज विषय तो यही है। नहीं नहीं विषय है, विषय देखिए, लेकिन जनता है सर, सवाल पूछेगी जवाब देना होगा। सबका जवाब दूंगा। दो दो आंदोलन बड़े हुए, उनमें से एक आंदोलन ऐसा रहा जब युवा सड़क पर निकला, सबका जब आंदोलन हुआ, जब दलित सड़क पर निकले ऊना के की घटना के बाद, आपको मुख्यमंत्री तक बदलनी पड़ी थी, बैकफुट पर चले गए थे सर। अंजना जी याद है, इस सवाल में बहुत दम है। मैं और आप एक बार देखिए, अंजना जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आज अंजना जी के लिए ताली होनी चाहिए। एकमात्र ऐसी नहीं, सुनिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप और मैं बनारस में जाके उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इसी प्रकार का पब्लिक का शो किया था। पब्लिक के कुछ नौजवानों ने उठकर प्रश्न भी पूछा था कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार किया है बीजेपी ने, 325 सीट अत्याचार के साथ नहीं आती है, 325 सीट श्रद्धा के साथ आती है। देखिए हर चुनाव से पहले समाज को बांटने की जो प्रक्रिया कांग्रेस करती है, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा हिंदुस्तान को बांटो मत, ये जातिवाद और परिवारवाद वर्सेस विकासवाद में प्लीज गुजरात की जनता को विकासवाद के साथ ही खड़ा होना चाहिए और होगी भी। अगला सवाल मेरा क्वेश्चन अमी बेन जी है, उन्होंने इंडिया टुडे का सर्वे आया था एक, उसमें 121 बीजेपी को सीट मिल रही है और 59 कांग्रेस को, और आपने एनालिसिस किया था हार्दिक पटेल इंक्लूड और एक्सक्लूड, वो 5 या 6 सीट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मैम, तो आप हाथ धो के क्यों हार्दिक पटेल, सिर्फ 3.5 करोड़ लोग ही पाटीदार है, दूसरे भी 3 करोड़ लोग हैं गुजरात में, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। स्टूडेंट हो या? क्या पढ़ रहे हो? एमकॉम। जवाब दीजिए, नाम क्या है? महेंद्र परमार। महेंद्र परमार का सवाल दीजिए, युवा है आपसे सवाल पूछ रहा है कि सिर्फ पाटीदारों को अपनी तरफ करने के लिए जो आप हार्दिक पटेल, जिग्नेश और अल्पेश के पीछे घूम रहे हैं, उनको नापसंद लग रहा है। देखिए वो तीनों जो आंदोलनकारी नेता थे अपना आंदोलन चला रहे थे, हमने सिर्फ केवल उनको कहा कि हमारी पार्टी आपको आवकारती है, इसलिए क्योंकि इस सरकार ने बिल्कुल से उन्हें बात नहीं की, ना तो समाधान किया, ना तो उनकी मांगे सुनी, और पाटीदार की महिलाओं को घर में जाके पीटा, आज भी हार्दिक ने बताया है, तो ये एट्रोसिटी आपने जो की है अपनी सरकार में रह के अपने ही लोगों को पीटा है, घर में जाके नुकसान किया है, तो वो हार्दिक पटेल वो आंदोलन चला रहा है कि भाई हमें रिजर्वेशन दे दो, हमें रोजगारी नहीं मिल रही थी, हमको कोई पढ़ाई का वो मिल नहीं रहा बेनिफिट, तो किस युवाओं की बात कर रहे हैं? दलित लोगों को रोड पे पीटा है, मारा है, वो हकीकत है, फिर भी वो सरकार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो तभी तो वो आंदोलनकारी बन गए हैं, और हमने उनको आवकारा है, तो क्या गलत कर दिया है? अभी 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 कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि तीनों लोग आंदोलन चला रहे थे, राहुल गांधी आ गए, उत्तर प्रदेश में कोई साइकिल चला रहा था, राहुल गांधी जाके साइकिल के पीछे बैठ गए, मतलब राहुल गांधी कितने नहीं, ये आप मुझे बताइए, कोई चला रहा होता है राहुल गांधी जाके बैठ जाते हैं, ये राहुल गांधी करते क्या हैं? अपना कोई आंदोलन किया है? देखिए ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बताती है, ये बताती है कि हम हिंदुस्तान के ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, और राहुल जी इतने बड़े व्यक्ति हैं कि ये सल्तनत कि हाँ डायनास्ट हूं मैं सल्तनत चलाऊंगा, अरे ये हर जगह जाके साइकिल के पीछे बैठना, कोई आंदोलन जाना, खुद क्या करते हैं ये बता दीजिए मुझे। जवाब इसका लेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के सवाल आना चाहिए, पूछो। मैं अम्मी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो अभी वो बात कर रही थी कि सुवर्ण काल की, जो सुवर्ण काल वो अभी 3 साल मोदी सरकार को आए हुए हैं और वो बोल प्रश्न कर रहे हैं कि सुवर्ण काल नहीं आया, पर पिछले 65 साल से जो कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी तब हमारा देश कितना पिछड़ रहा था, तो उसके बारे में अमित जी क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, इस पर और राहुल गांधी के सवाल पर जवाब लेंगे। राजतिलक में हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए राजतिलक। देख रहे हमारी ये विशेष पेशकश राज तिलक, और ज्यादातर लोगों के सवाल लेते हैं। मैम आप एक सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा ठीक है,
ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उससे गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ और आम पब्लिक कितना हैरान हुई है? जवाब दीजिए नोटबंदी पर। थैंक यू मैम इस सवाल के लिए। देखिए जहां तक डिमोनेटाइजेशन हुआ गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट मतलब हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ, नंबर एक बहुत बड़ा रकम जो हिंदुस्तान में आज तक बैंकिंग सिस्टम अर्थात फॉर्मल सिस्टम तक नहीं पहुंचा था, और कालाधन उसे कहते हैं जिस पर कोई टैक्स पेमेंट नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से आज उसके साथ एक एड्रेस अटैच हुआ। इतने वर्षों तक हमारी सरकार से, आपकी सरकार से पूछा जाता था, जब 3 साल हो गए थे, कि आप तो काले धन के ऊपर कोई एक्शन लेने वाले थे, क्यों नहीं कुछ किया, ये पूछते थे, कब करोगे कब करोगे, जैसे ही किया क्यों किया क्यों किया, तो ये उचित नहीं है। किसी प्रधानमंत्री ने ये हिम्मत तो दिखाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ ये जो नेक्सस था उस नेक्सस के ऊपर अटैक करे, और आज देखिए करोड़ों रुपए जो बैंक में आए हैं उनके ऊपर पैनी निगाह ईडी की है, 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए ये वसूल किया है, और तमाम बेनिफिट जो है ये आम व्यक्तियों के लिए है, ये जनता के। अगला सवाल, आप काम करते हैं सर? यस यस। मेरा सवाल गुजरात के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए, 120 करोड़ लोगों के लिए और पूरा एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो एजुकेशन सिस्टम के जो डेवलपमेंट हुआ, मैं पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी आम आदमी कोई भी हो, पर हिंदुस्तान का हर आदमी एक चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम हो, वो भी विदाउट। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे मुद्दे वो उठा रहे हैं, लेकिन मजबूरन टीवी की भी अपनी एक इकोनॉमिक्स और टाइम रहता है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं। सवाल कौन कौन पूछेगा हाथ उठाइए, इन सभी सवालों के साथ ब्रेक के बाद आप देखते रहिए राजतिलक। अहमदाबाद से इस विशेष शो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि बहुत सारे हाथ यहाँ पर उठ रहे हैं, सवाल कौन कौन पूछना चाहता है, इससे ज्यादा सवाल मैं लूंगी इस बार, लेकिन उससे पहले आप लोगों के भी। हार्दिक पटेल ने आज क्या कहा है, क्योंकि हाथ मिला भी रहे हैं नहीं भी मिला रहे हैं, खुलकर हाथ के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं हार्दिक पटेल, आज क्या क्या कहा है उन्होंने पहले सुन लीजिए। जो लड़ाई है उस लड़ाई के अंदर हमें उन लोगों को हराना है जिनको अहंकार है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण देने की बात कही है वो अच्छी बात है, हमें आनंद मिला है, अब जो भी करना है हम सब साथ मिलकर करेंगे और भरोसा है काफी अच्छा होगा। पूरे समुदाय को वो मूर्ख कह रहे हैं। दुख की बात है कि जब जनता आपको वोट देकर सत्ता में बिठाती है, एक बिहार का नेता कहता है अगर मोदी के सामने बोलोगे तो हार्ट काट दिए जाएंगे, यहाँ के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलोगे तो आप मूर्ख हो, उसका मतलब आप जनता को दादागिरी कर दो। अरे भाई नितिन पटेल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े दुख की बात है कि 23 साल के लड़के ने प्रेस की, उसके तुरंत 20 मिनट बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेस करते और मुद्दों के बिना। गुजरात की जनता इतनी कमजोर हो गई है, मुझे मेरे देश का पीएम या प्रधानमंत्री कमजोर नहीं चाहिए जिसकी आंखों में आंसू हो। पूरा विश्व ये नहीं कहना चाहिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर उसकी जनता कितनी कमजोर होगी। रोना नहीं है, छाती ठोक कर लड़ो। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं, आइए आप आइए सवाल पूछिए। आपको लगता है कि हाथ मिलाकर कांग्रेस अच्छा किया हार्दिक ने? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा सवाल दोनों से है, 22 साल की आपकी गवर्नमेंट है और 3 साल से मोदी जी पीएम है और 22 साल से आप अपोजिशन में है, लेकिन आप अभी भी कोई भी मजबूत चेहरा नहीं दे पाए जिसके नाम पे हम वोट करें। जवाब दीजिए अमी बहन जी, दोनों आपसे भी कि कोई चेहरा नहीं है। देखिए कांग्रेस एक विचारधारा है और हम एक एक एक, एक नहीं, आइदर वी हैव अ डिबेट और वी डोंट हैव अ डिबेट, बिकॉज नहीं आप बोलिए आप शांत। एक विचारधारा है और महात्मा गांधी जी की पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो अब मेरे पैनलिस्ट ने बताया, तो उसमें कोई चेहरा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी देखिए आप, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। 5 साल में आनंदीबेन पटेल को रिजाइन करवा दिया, अभी दूसरे जो हैं वो सक्षम नहीं है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को बार बार यहाँ आना पड़ता है एक स्टेट इलेक्शन के लिए। वो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फिर भी उन्हें आना पड़ता है। तो इनका कोई चेहरा, इनका कोई चेहरा नहीं है और इनको भी यहाँ आके आना पड़ता है। हमारे राज्य के कोई नेता आके कह नहीं सकते कि हमने इतना किया। मैं इसका उत्तर देता हूँ। पहली बात तो है कि अमी जी ने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, वो एक विचारधारा है और वो एक विचारधारा है। और दूसरी बात है कि महात्मा गांधी जी की पार्टी है वो, और इसमें कोई चेहरा नहीं ढूंढना चाहिए।
अरे इधर देखो तो नेहरू, उधर ढूंढो तो सोनिया जी, इधर देखो तो राजीव गांधी, पीछे देखो तो राहुल गांधी, उधर देखो तो गांधी परिवार, चेहरा ही चेहरा, गांधी ही गांधी। इनको तो देखो चंद दिनों पहले, मैं आपको एक बड़ा विषय बताता हूँ, ये छोटा नहीं है, इसको छोटा मत सोचना, मैं गुजरात की भूमि में बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री को चाय बेचो, तुम जाके चाय बेचो। चंद दिनों पहले हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी ने, सुनो मैं सब दे रहा हूँ बहन, उन्होंने 22 साल का सबका हिसाब दूंगा, सुनिए सबका जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा मैं। विजय रूपाणी जी की छोटी सी फोटो लग रही है, मोदी जी की बड़ी वाली। इन्होंने कहा गुजरात कि हमारे पास कोई, हम चेहरा ढूंढना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का चेहरा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसका जवाब भी दूंगा। मगर चंद दिनों पहले चिल्लर जी, जो हमारी एक बहन थी, वो जीतती है जाट समाज से जाके, जीतती है मानुषी चिल्लर, जब मिस वर्ल्ड बनती है तो कांग्रेस कहती है ये तो चिल्लर है। चंद दिनों पहले इन्हीं के एक नेता ने राजपूतों को, तमाम राजपूतों को गद्दार कह दिया कि राजपूत कौम जो है ये ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेके थे, वो गद्दार है। और आज नरेंद्र मोदी और गरीब जो है ये जाके चाय बेचे, केवल गांधी परिवार ये राज करे, बाकी कोई गद्दार है, कोई यहां से चला जाए, बाकी सबसे अच्छा, नहीं सबसे अच्छा, ये रोज शाम को बोलते हैं हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे खड़ग लेके। मैं आज आपको पूछता हूँ, सोनिया जी कौन से जिले से आजादी की लड़ाई लड़ रही थी बताइए, ये कौन से, ये रोज शाम को, ये महात्मा गांधी की पार्टी है, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सोनिया जी, मैं आदर से सोनिया जी का नाम ले, बहुत आदर से, सोनिया जी, उनके पिताश्री, यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं इंक्लूडिंग मैं और अमी जी, हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे, किसी बिल्डिंग के पास लड़ तो रहे थे, मगर सोनिया जी के पूर्वज कौन से जिले से लड़ रहे थे ये मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊँ, बता दीजिए। सोनिया जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं रही है। अच्छा। वो एक पार्टी के अध्यक्षा थी और अध्यक्षा है, अध्यक्षा है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। आप इतना, व्हाई डू यू ब्रिंग सच पेटी टॉपिक, दिस इज नॉट पेटी, नो यू हैव टू टॉक अबाउट गुजरात, अभी बने नहीं, यू हैव टू टॉक अबाउट गुजरात, राहुल गांधी अभी बने नहीं है, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है आपको, सोनिया गांधी को राइट ऑफ कर दिया, इतने स्ट्रांग नेता है इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, राहुल गांधी को मैं एसेट मानता हूं, इतने सारे राहुल गांधी का एसेट, तकलीफ हो रही है आपको, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आप अपने वाजपेयी जी को क्यों याद नहीं कर रहे जिन्होंने कहा कि 50 साल में, मैं सहमत हूं, राहुल गांधी जी एसेट है, राहुल गांधी जी एसेट है, मैं मानता हूँ, आप जल्दी बनाइए उनको अध्यक्ष, मिठाई है किसी के पास, मैं बांटूंगा ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। अंजना जी, अमी बेन जी, अंजना जी, अगर आप गुजरात इलेक्शंस में आए हैं तो गुजरात की बातें करें तो वो ठीक रहेगा, हमें समझ में आता है कि इनको बहुत परेशानी हो रही है, राहुल जी यहाँ आए, 4 रैली की, इतना 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 उनको मिला, इतना उनको रिस्पांस मिला, और उन्होंने जितने पॉइंट्स कहे वो मुद्दों से भटकाने के लिए, इनको स्टार प्रचारक लाने पड़ते हैं बाहर से, जिनको गुजरात की भूमि का, अनएम्प्लॉयमेंट का पता नहीं है, मजदूरों का पता नहीं है, इटली से आके सोनिया जी पूरा इंडिया को जान जाती है, और बाकी इंडियन जो है वो गुजरात के बारे में भी नहीं जानते हैं, सिर्फ इटली में सब जानते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, ये कमाल है, नहीं नहीं ये गलत बात है, आप इंडिया के दूसरे भाग के निवासियों को कहेंगे आपको इंडिया के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मगर इटली से आपके, आपकी अध्यक्षा 20 साल अध्यक्षा रहेंगी और उनको इंडिया के बारे में सब पता है। संबित जी अब उनको जवाब जी बोलिए, मैडम बीच में मत बोलिएगा, बोलिए। संबित जी यहाँ गुजरात के इलेक्शंस के दौर में आए हैं, उन्हें गुजरात के प्रश्न का जवाब देना चाहिए, न तो सोनिया जी का और राहुल जी का, राहुल जी उपाध्यक्ष है, बीच में मैंने नहीं बोला था, ये मैनर्स नहीं है, बोलिए आप प्लीज बिहेव प्रॉपरली, मैं गुस्सा मत होइए मैडम, गुस्सा नहीं हो रही हूँ मैं, मैंने राहुल गांधी है तो मैं क्या करूँ, ये मेरी गलती है क्या, मैं क्या करूँ, संबित जी गुस्सा मत होइए, अमित बहन जी प्लीज संबित जी, नहीं नहीं उनके प्रवक्ताओं को स्क्रिप्ट दी गई है, शुरुआत राहुल जी से करो, बंद राहुल जी से करो, आप राहुल जी से इतने डर गए हो कि युवा नेता आ गए हम क्या करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है उनका, उनकी स्क्रिप्ट इसी से चालू होती है, गुजरात की एक भी बात नहीं करेंगे वो, गुजरात की महिला की बात नहीं करेंगे, फार्मर्स की बात नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ जो घोटाले हुए उसकी बात नहीं करेंगे, जीएसपीसी 20,000 का घोटाला, करोड़ का घोटाला, उसकी बात नहीं करेंगे, 1,65,000 करोड़ के घोटाले की बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे, भाई हमारे चीफ मिनिस्टर को बीच में क्यों बदला गया, मुझे अब लगता है कि लोगों की आवाज आनी चाहिए, छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी पूछो। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इतने साल पहले ब्रिटिशर्स हम पे डिवाइड एंड रूल करके गए, आज इतने सालों बाद वापस डिवाइड एंड रूल जा रहा है,
तो इंडिया आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है? कौन सा डिवाइड एंड रूल मैडम? कौन सा डिवाइड एंड रूल? मतलब इतने जो कास्ट जातियां जो कार्ड खेले जा रहे हैं और उसके हिसाब से जो अभी सेक्शंस में अनरेस्ट हो रहा है गुजरात में, हार्दिक पटेल से हाथ मिलाना इनको नागवार, मैं सही कह रही हूँ? उनको कह रहा है कि वो जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, आप वही बांट रहे हैं इंडिया को। बैठिए हार्दिक पटेल, जवाब दीजिए। हार्दिक पटेल ने रिजर्वेशन मांगा है और वो भी लॉ के नीचे, और अगर वो जाति की बात कर रहा है तो वो पाटीदार अपने समाज की बात कर रहे कि भाई उनको क्यों कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपको ये सवाल हार्दिक पटेल से पूछना चाहिए। वो बार बार टीवी पे आके कहता है कि मैं मेरे समाज के लिए लड़ रहा हूं और मैं इसीलिए आंदोलन कर रहा हूं। उसने जाके सरकार को बोला कि भाई हमें क्यों वंचित रखा गया है, हमें क्यों रिजर्वेशन नहीं दे रहे, ओबीसी को मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो वो मांग रहा है, वो नहीं दिया, इसलिए वो अपना आंदोलन जारी रखा। लेकिन सीक्रेट डील क्या हुई है मैम, कोई कांग्रेस पार्टी का नेता बता नहीं रहा? नहीं, हार्दिक पटेल आज बताए ना, उसने पूरे आर्टिकल्स बताए, तीन उम्मीदवार अंदर बीच आर्टिकल 46 जो वो कह रहे हैं, उस देश पर लॉ बना रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। आप अल्पेश से हाथ मिला चुके हैं जो कि 27% आरक्षण ओबीसी को दे रहे हैं। किस कोटे से आप पाटीदारों को आरक्षण देंगे? आप भ्रमित कर रहे हैं क्या एक पूरे समुदाय को? अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स अगर हार्दिक को पूरा फॉर्मूला बताया है और अंडर द लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हार्दिक को बताया कि हम इस तरह देंगे और लॉ के दायरे में देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में देंगे, तो क्यों हार्दिक को हार्दिक अग्री? और एक मिनट, श्रीमती आनंदी पटेल ने 10% की बात की थी, वो कहां से लेके आए थे? वो अंडर व्हाट प्रोविजन डिड शी ब्रिंग दैट? लेके आए थे 10%, आपने भी कहा था। सुनिए, एक सेकंड, जल्दी से जवाब देखिए। आज गुजरात के विषय में बोलने के लिए मुझे कहा है, सुन लीजिए। नो, एक सेकंड, आज आप लोग ऐसे मत लड़िए। आज देखिए, मुझे गुजरात के चुनाव के विषय में कहने के लिए कहा गया है। मैं बिल्कुल सही बात है, मैं दिल्ली से 2-4 दिन पहले आया। आप दिल्ली, अंजना जी, हम डिबेट दिल्ली में करते हैं, आप खुद बताइए। अंजना जी, मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, हम दिल्ली में डिबेट करते हैं, कितने गुजरात के कांग्रेस के नेताओं का नाम वहां कोई लेता है? भरत सिंह सोलंकी चुनाव नहीं लड़ रहे, अध्यक्ष हैं, बोल रहे हैं मुझे टिकट नहीं दिया। अरे उनको टिकट नहीं दिया, ये हमारे पे कुछ, आप बताइए, खुद इनके लीडर, उनका नाम पूरा चुनाव आउटसोर्स किया हुआ। गलत बातें बताते हैं ये बंधुओं, चुनाव आउटसोर्स करके जीता जा सकता है क्या? चुनाव आउटसोर्स करके ठीक है, अगला सवाल जल्दी से, ब्रेक पॉइंट ऑफ लैंग्वेज। मेरे को ये भरत सिंह सोलंकी की बात करिए बीजेपी वाले, तो उनको ये पूछना है कि आपको पुराने कैंडिडेट्स के विश्वास है ना कि आप नए नए कैंडिडेट्स ला रहे हो अभी? आप भैया, आप युवा हैं, आप भी किसी दिन कैंडिडेट बनना चाहते हैं ना? मैडम, आपसे एक सवाल है, आपने कहा गांधी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के थे, मैं आपको रेक्टिफाई करना चाहूंगा, गांधी जी इस देश के थे, ठीक है? और आप गांधी जी को मानते हैं तो एक बात जरूर, एक सेकंड, दूसरा करेक्ट, और दूसरी बात तो यही मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं। दूसरी बात, गांधी जी को अगर आप इतना ही मानते हैं तो गांधी जी ने ये भी कहा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस शुड बी डिसॉल्वड, तो आप कब डिसॉल्व कर रहे हैं कांग्रेस को ये बताइए। यंग मैन, यू शुड हियर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, पहले आप उनके वॉल्यूम्स पढ़ लो। नहीं, डोंट गो पिकिंग एंड चूजिंग, नो, बैठ जाइए, सवाल हो गया। मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है तो आप जाति के आरक्षण, जाति के सिलेक्ट करके आप टिकट दे रहे हो पाटीदार को? इनका कहना है कि बहुत सारे उम्मीदवार आपके पास नहीं है, इसीलिए आप जातिगत राजनीति में उलझकर एक सवाल के साथ ब्रेक ले रहे हैं। एक सवाल के साथ जल्दी। राहुल गांधी जी अभी मंदिर जाने का नाटक क्यों कर रहे हैं? 2002, 2007, 2012 में तो कांग्रेस का कोई नेता इलेक्शन टाइम पे नहीं गया। चलिए ठीक है, लौट रहे इसी जवाब के साथ, और लौट रहे छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए राज किला। एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क, एक लाइन में अम्मी बेंच। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 18 दिसंबर को वो चाय भी हमारी होगी, गुजरात की कड़कदार चाय, वो चाय वाला भी हमारा होगा और हम आपको चाय पिलाएंगे। अम्मी बेंच जी, गुजरात जवाब देगा क्योंकि उनके यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं है और कहीं भी विकास दिख नहीं रहा। कल का शो राज तिलक खेड़ा में मेरे साथ, यही तमाम सवाल और जनता के भी सवाल लोगों के साथ, देखते रहिए आज तक।
मेरी बहन जी। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, 18 दिसंबर को वो चाय भी हमारी होगी, गुजरात की कड़कदार चाय, वो चाय वाला भी हमारा होगा और हम आपको चाय पिलाएंगे। अमी बहन जी, अमी बहन जी, गुजरात जवाब देगा क्योंकि उनके यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं है और कहीं भी विकास दिख नहीं रहा। कल का शो राज तिलक खेड़ा में मेरे साथ, यही तमाम सवाल और जनता के भी सवाल लोगों के सामने, देखते रहिए आज।